मुझसे मिलने आए हो या फूड डिलीवरी के लिए आए हो? ओह सॉरी, क्या हुआ, टेंशन में हो? यूएस से लैंडलॉर्ड का कॉल आया था, इंडिया आ रहा है वो, 3 महीने के लिए घर खाली करना होगा। एक दिन तो होना ही था, टेंशन क्या लेना, नया घर देख लेंगे। अच्छा आज ये लंच का प्रोग्राम कैसे है? फूड ऑर्डर सर। बताओ क्या मूड है मैडम का? जो तुम मंगवाओगे वो। चाइनीज मिलेगा ना? जी सर। एक चिकन फ्राइड राइस, एक चिकन नूडल, दोनों स्पाइसी रखना। स्पाइसी नहीं है। ठीक है, राइस स्पाइसी मत बनाना, नूडल स्पाइसी चलेगा। ओके सर। क्या बात है, तीखे से कब से प्रॉब्लम होने लग गई? अब कुछ महीनों तक यही होगा। क्यों? मुझे तो तीखा पसंद है, पर हमारे बच्चे के लिए अभी तीखा खाना ठीक नहीं होगा ना। हे, क्या कहा तुमने? तुम पापा बनने वाले हो, समझे? अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऑफिस जाने से पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, तब पता चला। ये कोई जगह है ऐसी बात बताने के लिए? अचानक से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, मम्मी की याद आ गई। मेरे पैदा होते वक्त वो भी तो इतनी ही खुश हुई होंगी ना। उनसे मिलने का मन कर रहा है? आज शाम ले चलूंगा तुम्हें। ए, मुझे नहीं जाना। तुम सब भूल गए हो क्या, हमारी शादी रुकवाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की थी। उन्होंने तो कभी ये पूछने के लिए भी फोन नहीं किया कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत, अब हमें बस एक दूसरे के साथ ही खुश रहना है। उन्हें अगर हमसे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएंगे। सर बिल मेरी तरफ से। ठीक है, ओके, शाम को तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। पक्का होगे ना? भरोसा नहीं होता तो मेरे साथ कैसे रहती? तो 8:30 तक आ जाओगे? मैं शॉप 8:15 पर पहुंच जाऊंगा। ओके चलो तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। अरे बगल वाली गली में ही तो ऑफिस है, वहाँ बाइक से ड्रॉप करोगे? कहो तो गोद में उठा के ले चलूं। ये काम तो तुम बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल पागल हो। हे, आराम से, जल्दी क्या है, थोड़ा धीरे से। इतना भी मत डरो। हाँ